नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबर। राजस्थान के मेनाल में 12 साल पहले ब्रजराज और जितेंद्र सिंह की हत्या के फरार आरोपी को बेंगो पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए कोटा जेल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर उदयपुर आईजी द्वारा 10 और कोटा एसपी द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन ने कहा है कि कोटा निवासी 50 साल का गैंगस्टर सुमेर सिंह को कोटा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके बेंगो लाया गया है। दरअसल 2009 में मेनाल झरने के पास गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह, सुमेर सिंह समेत 8 बदमाशों द्वारा ब्रजराज सिंह और जितेंद्र सिंह की हत्या की गई थी। सुमेर सिंह को कोटा पुलिस ने 2 महीने पहले जयपुर से गिरफ्तार किया था। मेनाल में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में बेंगो पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से आरोपी राजेश कुमार की जेल में मौत हो गई है और भानु प्रताप सिंह की घटना के कुछ समय बाद हत्या कर दी गई थी। भानु प्रताप सिंह की हत्या के बाद सुमेर सिंह गैंग का मुखिया था। सुमेर सिंह की गिरफ्तारी पर उदयपुर आईजी द्वारा 10,000 और कोटा एसपी द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार आरोपी सुमेर सिंह के विरुद्ध कोटा में हत्या का मामला तथा अलग अलग थानों में वसूली आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। ये आरोपी कुछ समय गुजरात, अहमदाबाद, देहरादून और सिलवासा में छिपकर रह रहा था। जयपुर के पास एक गांव में सुमेर सिंह महेंद्र सिंह बनकर रह रहा था। बेंगो पुलिस ने हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।